पंचायत चुनाव में बीजेपी हुई थी फेल, जिला अध्यक्ष चुनाव में अब कर रही है खेल। बीजेपी ने चली ऐसी चाल, सपा बसपा हो गए निढाल। सत्ता का नशा ही कुछ ऐसा होता है कि उसके बिना राजनीतिक पार्टियां खुद को वेंटिलेटर पर महसूस करती हैं। इसीलिए चुनावी मौसम में साम दाम दंड भेद सब कुछ धड़ल्ले से आजमाया जाता है। पैसों से लेकर गाड़ी मकान दुकान हर चीज से सौदा कर अपने पाले में किया जाता है। यहाँ तक के खुद के पाले में वोटिंग कराने के लिए पार्टियां कई बार किडनैपिंग तक से गुरेज नहीं करती। इन दिनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद में जिला अध्यक्ष का चुनाव जीतने के लिए बीजेपी पर कुछ ऐसे ही आरोप लग रहे हैं। अमरोहा के गली मोहल्लों चौक चौराहों पर इस बात की चर्चा जोरों पर है कि इस बार जिला अध्यक्ष का चुनाव बीजेपी ही जीतेगी, क्योंकि यहाँ सब सेट है। ऐसा लगता है कि जिला पंचायत के इलेक्शन में जो बसपा के उम्मीदवार हैं, बसपा के जो मेंबरान हैं और कुछ समाजवादी पार्टी हैं, तो सियासी हलकों से जो छनके खबर आ रही है उससे मालूम हो रहा है कि ये लोग बीजेपी को अंडरग्राउंड सपोर्ट कर रहे हैं। अब इसके पीछे क्या वजह हो सकती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल जो सूरत हाल है वो बड़ी पेचीदा और कशमकश वाली है और दोनों पार्टियां निष्क्रिय सी नज़र आ रही हैं। और बीजेपी, जैसा मैं पहले कह चुका हूँ कि सारी फ्रंटल यूनियंस उनकी साथ काम कर रही हैं और छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी काम कर रहा, तो ये कुछ सियासी दावपेच समझ में नहीं आ रहा। लेकिन बसपा ने तो पूरी तरह से समर्पण कर दिया और आज़ाद उम्मीदवार अभी इधर उधर चक्कर काट रहे हैं। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में जिले में क्या गुल खिलते हैं। राजनीतिक समझ रखने वाले भी इस बात को खारिज नहीं कर पा रहे कि ऐसा हो रहा है। हाल ही में ऐसे ही एक पद के चुनाव के लिए वोटिंग करने वाले जीते हुए पीडीसी सदस्यों को नैनीताल के एक होटल में कैद करके रखा गया और वहां उनके मनोरंजन के लिए पार बालाओं को बुलाकर अश्लील डांस का इंतजाम कराया गया। और अब कुछ वैसा ही अमरोहा जिला अध्यक्ष चुनाव के लिए बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं। कहा तो यहां तक जा रहा है कि बीजेपी ने जिला अध्यक्ष पद के लिए पूर्व सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर के बेटे चौधरी ललित सिंह तंवर को उम्मीदवार बनाया और जीत सुनिश्चित करने के लिए सपा और बसपा को मैनेज कर लिया। दोनों ही पार्टियों के समर्थित जिला पंचायत सदस्यों को बीजेपी ने वोटिंग तक राजस्थान के किसी होटल में छुपा कर रखा है, जबकि समाजवादी पार्टी ने वहां के विधायक हाजी महबूब अली की पत्नी को मैदान में उतारा है। वहीं पर बीएसपी की तरफ से भी उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन खामोश हैं। अब जबकि प्रदेश में बीजेपी के सामने समाजवादी पार्टी ही 2022 के विधानसभा चुनाव में टक्कर देने के लिए सीना तान कर खड़ी है और पंचायत चुनाव में बीजेपी को समाजवादी पार्टी ने ही धूल चटाई, ऐसे में अमरोहा जिला अध्यक्ष चुनाव में सपा उम्मीदवार का निष्क्रिय रहना, और वो भी तब जब सपा के उम्मीदवारी के तौर पर खुद सपा के विधायक हाजी महबूब की पत्नी ही बीजेपी के पूर्व सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर के बेटे ललित तंवर के सामने मैदान में हो, ऐसे में दाल में कुछ काला होने की चर्चाएं तो हर चौक चौराहे पर होंगी ही। अगर बात जिला अध्यक्ष चुनाव और जिला पंचायत सदस्यों की करें तो मौजूदा वक्त में जिला अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए वोटिंग करने वाले जिला पंचायत सदस्यों की कुल संख्या 27 है। समाजवादी पार्टी के पास 7 हैं, बीएसपी के पास 7 हैं, बीजेपी के पास 6 हैं, जबकि निर्दलीय भी 7 हैं। जाहिर है 6 सदस्यों से बीजेपी जिला अध्यक्ष पद जीतने से रही। अगर सभी निर्दलियों को भी साथ ले लेती है तब भी आंकड़ा पार नहीं कर पा रही है, इसलिए सपा बसपा को सेट करने का आरोप इस वक्त बीजेपी के माथे पर लगा हुआ है। अमरोहा से गफरान आबिद की रिपोर्ट।